नमस्कार, आज सप्ताह शेष बार रविवार आपण घंटे वर्तमान 8 बाजि 30 मिनिट आप देखुंत अर्गस न्यूज रूम आपण संतोष दर्शक बंधु ए प्रसंग उपरे आम आलोचना करवा वर्तमान समय सिमिलीपाल पहुंची 13 जनिया फैक्ट फाइंडिंग टीम किभली भाव में निआ लगला औषधीय गुल्म जातीय गछ को केते क्षति पहुंची जंगल केते परिमाण रे नष्ट होई ए संपर्कित तथ्य जोगाड़ करने 13 जनिया बीजेपी टीम सिमिलीपाल पहुंची जहाँ सूचना रही वरिष्ठ विधायक जयनारायण मिश्र नेतृत्व में सिमिलीपाल पहुंची 13 जनिया विधायक टीम टीम रे मयूरभंज जिला परिषद अध्यक्ष सुजाता मुर्मू उपाध्यक्ष नरेन्द्र साहू और बीजेपी दुई सांगठनिक जिला रायरंगपुर और बारीपदार सभापति सहित सामिल अच्छा तमाम प्रसंग में आम आलोचना करवा आम सहित आम प्रतिनिधि संजय महालिक जोड़ी होती संजय कहुची जंगल में केमी निआ लगला हालका वर्षा फल वर्तमान निआर मात्रा कमी कथा कहुची निआ लिभि जाता कथा कहते स्थान में वर्तमान समय बड़ा प्रश्न केते पशुपक्षी को क्षति पहुँची केते जंगल नष्ट या सहित जंगल रे जो औषधीय गुल्मजातीय गछ जो गुड़िक आमपाई दरकारी सेगुड़िक केत मात्र नष्ट फैक्ट फाइंडिंग टीम ए संपर्क में अवगत हेले कि ना संजय देखु संतोष जो सिमिलीपाल जंगल रही दिने से सबुज चिरहरित जंगल जो रही ये दिने सबुज बनानी किंतु वर्तमान जो घटना वर्तमान देखा आसी मिली वर्तमान ये जो जंगल में निआ लगी विभिन्न प्रकार गच्छ ध्वंस विध्वंसित हो जाए एशियार द्वितीय सर्वबृहत जो जैवमंडल रही जैवमंडल वर्तमान निआ जो अग्निशिखार बनानी लगी वर्तमान संपूर्ण ध्वंस विध्वंसित हो जाए आम कहीपर तेज आज विभिन्न सरकारी संस्था तरफ जो विभिन्न प्रकार अनुधान कर आज बीजेपी 13 जनिया विधायक टीम जो फैक्ट फाइंडिंग टीम अच्छा से आज आकृतर अनुधान करने कौ कारण कारण कौन थे निआ पछरे कारण कौन थे तेज आम सहित अच्छा उदला विधायक रही आम प्रतिक्रिया ना जो प्रकृतर घटना कौन रही है आज से किभली भाव में अनुधान प्रस्तुत कर सिमिलीपाल जलुची ए कथा विधानसभा प्रबल मात्र उठी कथा हूँ आज विधायक दल आम बीजेपी विधायक दल बैठक निष्पत्ति आम जयनारायण मिश्र जे वरिष्ठ बीजेपी नेता नेतृत्व में आम 12-13 जनिया कमिटी विधायक कमिटी अनुध्यान करूँ जीरो ग्राउंड सिमिलीपाल भितर जीव तार निआ जलिबार उद्देश्य कौन साधारणत तो, गत वर्ष भली भी जंगल में निआ जले किंतु ए वर्ष अति मात्रा जलुच्छे कहीं नियंत्रण कर केन्द्र सरकार समस्त अर्थ दौंस सबुज बनानी ठार यमर निआ लिभेवाई जो नियंत्रण करने ताकू अर्थ दौरान ग्राम लोक सहयोग ये समस्त करवा कथा एवं कहीं करा ये आम निश्चित तो जीरो ग्राउंड को जीवु तार अनुधान करूँ गाँ लोक सहित कथा हबु जंगल परिवेश को देखू कारण ये जीवन जीविकार कथा अच्छी खाली जंगल जंतु आ पक्षी कथा नुहे ये मनीष मान जीवन जीविकार कथा अच्छी अनेक मयूरभंजवासी ये जंगल उपर भी निर्भर कर बचार तेणु यही दृष्टिकोण आम अनुधान पर आपण मानक आम निश्चित ए तथ्य को जानवु एवं विधानसभा उपस्थापन कर कारण दुईट जहाँ शुणा को मिलूँ जो प्रकृत दुईट कारण रही था पारे गोटे हूँ जो जंगल में रोकता विभिन्न प्रकार सेठकर ग्रामवासी मैंने रही महुल तोलार यार मुख्य कारण कहुता बेल द्वितीय कारण रही जंतु शिकार तेज आप कौन भावुंत ये घटना देखो महुल तोला महुल जो गोटा मैंने निश्चित भाव में महुल मूल में सफा हो कथा करा आज नुह पूर्व भी करते कितु से जो महुलटा पड़ गच ते से नियंत्रण करते निआ लगे नियंत्रण करते तेणु ये आपात मानने व्यापक भाव में अग्नि सिमिलीपाल को व्यापू नाला कितु आजिका क्षेत्र में भिन्न जेटा शिकार कथा कहले काठ माफिया कथा कहले ये डिपार्टमेंटर दुर्बलता कारण डिपार्टमेंटर तीन टा विभाग सिमिलीपाल को सुरक्षा देवाई तीन टा कमिटी बनाई गोटे हूँ जंगल सुरक्षा कमिटी आ गोटे सबुज बाहन आ गोटे टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स यही तीन टा आधार ये जंगल को नियंत्रण करा जाए किंतु मते लगुच ये कोरोना आड़ कारण आम डिपार्टमेंट बोधे सहित संपर्क रखिना आज जोटा कि आक्रोश भाव आसी साधारण लोकं एवं ये आक्रोश कारण माफिया मानक राज चली माफिया अर्थ शिकारी पारे गच्छ काटवा हो पारे एटा सुजोग नहीं भावार किसी ना
निश्चित भाव विधायक जो प्रतिक्रिया दूसरे कि घटनार जो जंगल सहित जंगल जो सुरक्षाकर्मी रही भितर संपर्क कौटी ना कौटी गोटे प्रकार टी सुसंपर्क होना जो ये सब घटना देखा मिली सर आम जाऊ प्रथम ग्राउंड जीरो में कौन हो कौन नहीं अनुध्यान कलापर आपण मैं कहू पूर्व विभिन्न प्रकार टीम अनुध्यान तबे आज कौन रोहिबो कौन आमे विधानसभा रे यार आलोचना पूर्व प्रकृत रे ग्राउंड जीरो रे कौन है कौन पे निया लगी कौन पे विलंब है लिभेवाई से केंद्रीय जो पांठि आसी केन्द्रीय पांठि केमती खर्च केते जोर हो स्थानीय लोक मानक निजुक्ति क्षेत्र में अन्न्य क्षेत्र में केमती व्यवहार कर सब विषय अनुध्यान कर संतोष जहाँ बर्तमान प्रतिक्रिया रोला जो केंद्रीय अनुध्यान केन्द्रीय जो आ फंड आसली भाव में खर्च कर संजय कथा आसुची जे क्यांपा फंड को किभली विनियोग करा जिवो एवं ये टंका खर्च करा जिवा परे याकू पुणी थरे आउ किभली भाव में सरकार खर्च करिवे एवं एथरु लक्ष लक्ष कोटी कोटी टंका हड़प करा जिवो ये गोटे बड़ चक्रांत बोली कुआ जाउची आउ एवं ए चक्रांत ही सिमिलपाल रो निया लागिबार कारण केतकांशर वर्तमान समय दर्शाई जायछि या सहित तो ग्रामवासी ग्रामवासी सहित जो माने जनप्रतिनिधि अछन्ति गांर सरपंच विजु जनता दल विजु जुव बाहिनी एमाने अनेक थर जाइछन्ति घटनास्थल को निया लिभेबा चेष्टा करिछन्ति एमाने हृदयंगम करिछन्ति कि नाही जे जंगल जळुछि अनेक औषधीय गस नष्ट होइछि पशुपक्षी को क्षति पहुँचिछि निश्चित भाव संतोष जो दीर्घ पंद्रह दिन रु ऊर्ध समय हो गला सिमिलपाल जो रिजर्व फॉरेस्ट रही जलुची एवं विभिन्न समय रे विभिन्न जीवजंतु कथा कहतु एवं उद्भिदीय जो वृक्ष रही से गुड़िक नष्ट हो तेबे आपण जो कथा कहते जो केंपा फंड रही तार किभली भाव में विनियोग कर पछरे कौन उद्देश्य रही जो षड्यंत्री मान गोटे निश्चय प्रश्नवाचक सृष्टि तेबे आम सहित अच्छा विधायक अच्छा जो बीजेपी फेक फाइंडिंग जे आसी विधायक अच्छा आम प्रतिज्ञा ना आज्ञा कहे जो जो केंपा फंड आस जंगल सुरक्षापी विभिन्न समय केन्द्र सरकार के पाखु यू यहाँ को जंगल निया लगे पक्ष यार कौन कारण थे देखो जो सिमिलपाल एशिया महादेश द्वितीय सर्वबृह जैवमंडल ये आज की ये मयूरभवासी गर्व गौरव मान सम्मान प्रतीक किंतु आज की पंद्रह दिन ऊर्ध दिन हो गला जो भाव में सिमिलपाल जलुची एवं सरकार उदासीनता कौन सी वन विभाग से भाया तत्परता देखा जाऊना सरकारी दल यही समय आसी जो भाव में मयूरभंज एम पी एल करौज मजलिस करें दृढ़ भाव में निंदा करे आज आम पंदर जनीया भारतीय जनता पार्टी विधायक दल आसनिधि दल एवं आम जीव आज सिमिलपाल समस्त अंचल देखू कौन के क्षय क्षति होते जीवजंतु मृत्यु होते औषधीय वृक्ष नष्ट आम आज देखू एवं कैंपा फंड शह शह कोटी टंका केन्द्र सरकार दौरान तार सुविनियोग पारना यदि सुविनियोग आज सिमिलपाल यह भाया अवस्था हो न था लगा पछरे केंपा फंड रिच्छी षड़ी जहाँ रोचे जहाँ सूचना मिलूँ कि यह पक्ष जंगल निभाज जो केंपा फंड को हड़प करने कि चक्रांत निश्चित भाव जंगल निया लगे जा फल केंपा फंड जो गोटे फल्स जो जे जंगल सुरक्षापी जो गच लगा चारा जो शह शह कोटी टाँग लगा होटा से खसी जावाई से टाँव को केंपा फंड को हरलुट करवाई गोटे विधिवत षड़यंत्र अनुमान हुए निश्चित भाव संतोष जो प्रतिक्रिया रही है जे केंपा फंड को हड़प करवाई विभिन्न समय जो केन्द्र सरकार पक्षर अनुदान आस हजार हजार कोटी टंका यहाँ सुविनियोग जो कारण आज यह घटना सुचिंत भाव में कर जो बीजेपी विधायक रही फैक्ट फाइंडिंग टीम रही प्रतिक्रिया रही विभिन्न समय जहाँ को लेकिन आज तेरह जनीया टीम सिमिलपाल अंचल को गस्त करेंगे और प्रकृतर घटना को देखिए कौन है घटना कौन घटी पारे आप टीम जाऊँगी कौन देखिए अनुध्यान करेंगे।
ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ ହେଲା, ଦୁନିଆ ଜାଣିଲା ଯେ ଶିମିଳିପାଳ ଜଳୁଛି। ଆମେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଗୋଟେ ଟିମ୍, ବାର ଜଣିଆ MLA ଟିମ୍ ଆଜି ଶିମିଳିପାଳ ଗସ୍ତରେ ଯାଉଛି। ସେଠି କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ଆଜି ଜଳୁଛି ନା ଲିଭିଯାଇଛି, ଏସବୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ, ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ସେଠି ଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ରେଜଲ୍ଟଟା ଆମକୁ ମିଳିବ। ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ, କୋର୍ ଏରିଆ ଭିତରେ ଯେଉଁମାନେ ଜନବସତି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନିଆଁ କେଉଁଠୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଏବଂ ଏମିତି ଭୟଙ୍କର କାହିଁକି ହେଲା। କାହିଁକି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମର ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁ ଜଙ୍ଗଲ, କାହିଁକି ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ। ତ ସେମାନେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କେଉଁଠି ଅଘଟଣ ହେଇଛି, କିଏ ଜଳେଇଛି, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟିମ୍ଟା ଆସିଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତର ଘଟଣା କ'ଣ ରହିଥିଲା, ଏ ଯେଉଁ ବିଭତ୍ସକାରୀ ଯେଉଁ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଭଳି ଅଗ୍ନିର ଶିଖାରେ ପୁରା ଶିମିଳିପାଳ ଜୈବ ମଣ୍ଡଳ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜଳିଥିଲା, ତେବେ ଆମ ସହିତ ଯଶୀପୁର ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ ସାର୍, ଘଟଣାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି କେମ୍ପା ଫଣ୍ଡ ଯେଉଁ ରହିଛି, କେମ୍ପା ଫଣ୍ଡକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାବରେ ନିଆଁକୁ ଲଗାଯାଉଛି ଏବଂ ତାହାକୁ ହଡ଼ପ କରିବାକୁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରାଯାଉଛି? ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ କହିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଶିମିଳିପାଳ କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠେ, ଏଇଭଳିଆ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କଥା ଉଠେ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ଶିମିଳିପାଳ ବାୟୋସ୍ଫିୟର ନାଁରେ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ନାଁରେ ଜଣାଶୁଣା, ତ ଏଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ କଥା ଉଠୁଛି ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଜଳୁଛି, ତ ନିଆଁ କାହିଁ ଜଳୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶିମିଳିପାଳ, ଏବେକାର ତ ଶିମିଳିପାଳ ନୁହେଁ, ବହୁତ ବର୍ଷରୁ ଅଛି ଏବଂ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଅଧିବାସୀମାନେ ଆଦିବାସୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ବହୁ ଆଗରୁ ଅଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ରାଜବାଡ଼ି ଟାଇମ୍ରୁ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେହି ଟାଇମ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି, ଜଙ୍ଗଲ ସହିତ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଭାବରେ ସେମାନେ ଜଡ଼ିତ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଭଳିଆ କେବେ ଚହଡ଼, ଏଇଭଳିଆ ନିଆଁ କେବେ ଜଳୁ ନଥିଲା ଆମେ ଯାହା ଜାଣିବା କଥା। ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର କଥା ଯେତେବେଳେ କହିବି, ସେ ଶିମିଳିପାଳ ଭିତରେ ଯେଉଁ 845 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର କୋର୍ ଏରିଆ ଅଛି ଏବଂ 2750 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ଯେଉଁ ଶିମିଳିପାଳ ଏରିଆ ଅଛି, ସେ ଭିତରେ ମୋର 3 ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି। 3 ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଖାପାଖି 30,000 ଅଧିକା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଯଶୀପୁର 60 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଅଛି, ବାରିପଦାରୁ 60 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଅଛି, ମଝିରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗେ ବୋଲି ଏଇଭଳିଆ ପରିମାଣରେ ଏତେ ପରସେଣ୍ଟ ନିଆଁ ଲାଗିବାଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଯେଉଁଦିନଠୁ କାମ୍ପା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଇଦିନଠୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ କାମ୍ପା ଯୋଜନା ଆନୁଆଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଭିତରେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ବାବଦକୁ ପାଖାପାଖି 8 ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶା ତେଜୁଛି ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ରାଜନୀତି। କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇଛି ବିଜେପିର ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍। ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶିମିଳିପାଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍। ନିଆଁ ଲାଗିଲା କିଭଳି ଏବଂ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପଛର କାରଣ କିଏ, କ୍ୟାମ୍ପା ଫଣ୍ଡକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଏ ଏକ ଚକ୍ରାନ୍ତ କି, ଏହା ସହିତ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଫଳରେ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ଷତି ଘଟିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିଛି, ଔଷଧୀୟ ଗୁଳ୍ମ ଜାତୀୟ ଗଛ କେତେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିରାଟ ବୃକ୍ଷ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏହା ସହିତ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ କିଭଳି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚିଛି, ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବ। ଏହା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ଶିମିଳିପାଳକୁ ନେଇ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ପ୍ରଥମରୁ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଫଳରେ ସରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ନାହିଁ, ତାପରେ ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଅନେକବାର ଟିମ୍ ଗଲେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ, ପ୍ରକୃତି ଦୟାରୁ ବର୍ଷା ହେଲା, ନିଆଁ ଲିଭିଲା ଏବଂ ଏବେ ବି ସେ ନିଆଁ କୁହୁଳୁଛି କି ଜଳୁଛି ଏ ସବୁର ତଥ୍ୟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସରକାର କି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିଛି, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ ଲାଇଭ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।